क्या हुआ था बेटा, क्या क्या हुआ था, आपको क्या पता है क्या वारदात हुई थी? पापा को किसी ने ना मार दिया था। कुछ जानते हो, कोई लड़ाई झगड़ा था? हमें इतना नहीं पता, मतलब मार दिया था। जब सुबह पुलिस आई थी, हमें जब पता चला कि हमारे पापा को मार दिया है। क्या नाम था पापा का? ये आज सुबह करीब 8 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि नंगला पाट उन एंक्लेव में रहने वाले देवेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पे पहुंची, डीसीपी रैंक के 2-3 अधिकारी पहुंचे, एसीपी पहुंचे और हमारी क्राइम ब्रांच की टीमें भी वहां पे गई थी। तो देवेंद्र नाम का जो मृतक है उसकी हत्या कर दी गई थी और इसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को काबू किया है। मृतक की पत्नी सुनीता और मारने वाला जो इमाम है, जो उसके घर के सामने ही रह रहा था, उसको दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच द्वारा पूछताछ की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि इसमें और किस किस की इन्वॉल्वमेंट थी। इसमें जो मृतक की पत्नी है सुनीता, उसके जो सामने रहने वाला जो है इमाम, जिसका नाम ही इमाम है, उसके साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते इन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया। आप कह रहे हैं कि पति पत्नी ने मिलकर हत्या कराई प्रेमी के साथ? पत्नी ने जो जिसके साथ अवैध संबंध थे उसके साथ मिलकर अपने पति की हत्या की। कितने लोग और शामिल हैं इसमें? ये अभी पूछताछ चल रही है हमारी, तो इसमें हम जल्दी खुलासा करेंगे कि और लोग कौन शामिल हैं या कितने लोग हैं या नहीं है। बाकी लोग उस समय परिवार के लोग कहाँ गए हुए थे जिस समय हत्या की गई? बच्चे लोग वहीं थे, बच्चों को भी पुलिस उनसे प्यार से पूछताछ कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके उस मामले में कि क्या हुआ था। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया? हाँ जी, उनको काबू कर रखा है। उनकी कितनी उम्र है? मृतक का क्या नाम है, कितनी उम्र है? मृतक देवेंद्र है जी। हाँ, इसके 3 बच्चे हैं उनको और शादीशुदा है। जो आरोपी है इमाम वो अनमैरिड है। ठीक है, थैंक यू। मुर्दाबाद 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 हत्यारों को फांसी दो,
फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।